नमस्कार, एक बात की सूचना देते हैं। जब मैंने सामने पता लगाया कि बीपीएससी की क्या गतिविधि है, बीपीएससी पर इस पर मीटिंग किया लेकिन कोई भी फैसला इस पर नहीं हुआ। यह जान लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, इस पर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर को देखा जाएगा, समझा जाएगा। लोग इसमें आगे भी बेंच में जा सकते हैं और आगे भी बेंच में सरकार चाहेगी तो अप्लाई कर सकती है। तो यह जान लीजिए, जो डिसीजन जो दिया गया है, क्या आगे जो विज्ञप्ति निकलेगी उस पर डिसीजन है, या जो पीछे विज्ञप्ति बिहार में निकल गई उस पर डिसीजन है। आज अगर डिसीजन आया है, आगे जो विज्ञप्ति निकलने वाली है, मेन विज्ञप्ति पर देखा जाता है। तो किस ढंग से डिसीजन आया है, जब तक डिसीजन की कॉपी नहीं पढ़ ली जाएगी, अच्छे ढंग से नहीं समझ ली जाएगी, तब तक कहा नहीं जा सकता कि परीक्षा बिहार में जो परीक्षा होने वाली है 24 तारीख को, और उससे जो बीएड परीक्षार्थी है वो बाहर होगी। उनसे विधायक होने की कोई आवश्यकता नहीं, वो कंटिन्यू पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। डिसीजन कॉपी आने दीजिए। हम बहुत सारे वकील से भी इस मैटर पर बात किए कि क्या हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि भैया जी, कोई भी डिसीजन आता है तो बिना डिसीजन कॉपी देखे हुए नहीं बताया जा सकता है कि क्या यह पहले जो बीएड पहले आज के बाद जो निकलेगी विज्ञप्ति उस पर लागू होगा, या जो विज्ञप्ति निकल चुकी उस पर लागू होगा। अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए बेधैर्य होने का मत है। आप तैयारी में लगे रहिए। चेयरमैन का सर का सामने ट्वीट भी आया है, परीक्षा के स्थगित या परीक्षा की कैंसिल के संबंध में कोई भी उन्होंने सूचना नहीं दिया। यानी मतलब कि जब तक डिसीजन कॉपी नहीं पढ़ा जा सकता, डिसीजन कॉपी ठीक ढंग से नहीं समझा जा सकता, तब तक इस पर कुछ कहना बेवकूफ़ी है। देखिए, कल तक कुछ ना कुछ क्लियर शाम तक हो जाएगी क्या होने जा रहा है। लेकिन आप लोग किसे अनुरोध है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो शाम में पता लगा है, शाम इस पर मीटिंग हुई थी बीपीएससी में, आज जो पता लगा है, वकीलों से मैंने बात भी किया, बहुत सारे मित्र हैं जो वकील हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जब तक डिसीजन कॉपी नहीं आ जाती और डिसीजन कॉपी नहीं देखी जा सकती, तब तक स्पष्ट रूप में इस पर कहना बेवकूफ़ी है। लड़के का जो बीएड बाहर होंगे, अरे बीएड बाहर होंगे तो डिसीजन कॉपी आप देखे हैं नहीं देखे हैं? क्या पहले से विज्ञप्ति जो लागू है उस पर लागू होगा, या आने वाला विज्ञप्ति पर लागू होगा, या आज से लागू होगा उसमें डिसीजन कॉपी में तो कुछ होगा? कल भर वेट कीजिए, कल तक कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितने भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ाई में तनिक भी कम नहीं कीजिए। जो ही मन विचलित होगा, अगर मान के रात में आप नहीं पढ़ते, एक स्ट्रेटजी के अनुसार आप लोग पढ़ रहे होंगे, अगर रात में नहीं पढ़ेंगे स्ट्रेटजी आपको ब्रेकअप हुआ, 2 से 4 नंबर आप पीछे भी हो सकते हैं। इसलिए मेहनत करते रहें, कंटिन्यू अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें। जो मुझे जानकारी दी, बीपीएससी आज रात तक कोई निर्णय नहीं लेने जा रही है। जब तक डिसीजन कोई अच्छे ढंग से अध्ययन न कर ले, कल क्या होता है कल पर देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।